नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पल्लव शासनकालीन स्थापत्य कला के बारे में। आइए शुरू करते हैं पल्लव शासनकालीन स्थापत्य कला का इतिहास। पल्लव राजवंश के इतिहास में पांच ऐसे बड़े शासक हुए जिनमें कलात्मक निर्माण के प्रति गहरी अभिरुचि थी। इन नृत्यों के नाम हैं महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन, राजसिंहवर्मन, नंदीवर्मन तथा अपराजित। इनमें से प्रथम दो अर्थात महेंद्रवर्मन प्रथम एवं नरसिंहवर्मन मम्मल के शासन कालों में पल्लव द्राविड़ वास्तुकला शैली अपनी पूर्ववर्ती आंध्र सातवाहन कला शैली से न्यूनाधिक अनुप्रमाणित मानी जा सकती है। कलाविदों ने उपयुक्त दोनों शासकों के प्रोत्साहन एवं संरक्षण में निर्मित कराए गए मंदिरों एवं प्रसादों को आपूर्ण पार्वत्या वास्तुकला शैली में परिगणित किया है। पल्लव द्रविड़ वास्तुकला के विकास का यह प्रथम चरण था। इसी प्रकार पल्लव नरेश, राज सिंह एवं नंदीवर्मन के युगों में निर्मित मंदिरों अथवा प्रसादों को आपूर्ण भूनी वेशीय वास्तुकला शैली के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार पल्लव वास्तुशैली में क्रमानुगत विकास परिलक्षित होता है। इसका श्रेय पल्लव शासकों की मौलिकता एवं कलाप्रियता को दिया जा सकता है। आनंद कुमार स्वामी ने पल्लव वास्तुशैली को उसके विकास क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित चार शैलियों में विभक्त किया है। पहली है महेंद्र शैली 610 से 640 ईस्वी, यद्यपि यह शैली लगभग 8वीं शताब्दी तक चलती रही। दूसरी शैली है मामल शैली 640 से 690 ईस्वी तक। तीसरी रासिंग और नंदीवर्मन शैली 690 से 800 ईस्वी तक। चौथी अपराजित शैली 800 से 900 ईस्वी तक। हम बात करेंगे महेंद्रवर्मन शैली के बारे में। महेंद्रवर्मन शैली कला की भाषा में इसे महेंद्र शैली के नाम से अभिहित किया जाता है। महान पल्लव शासक महेंद्रवर्मन ने अपने अभिलेखों में उद्घोषित किया है कि उसके समय में मंदिरों का निर्माण ईंट, प्रस्तर, लकड़ी, लोहा आदि उपयोग से किया जाता था, परंतु इस परंपरा से हटकर उसने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण कराया। महेंद्र शैली का विकास क्रमशः तीन अवस्थाओं में हुआ। प्रथम अवस्था में गुफा मंडपों को काटकर उसे एक सुनियोजित मंदिर वास्तु के रूप में निर्मित किया गया। पारस्परिक गुफा मंदिर निर्माण शैली से किंचित पृथक महेंद्र शैली में घनत्व प्रधान शिलाओं को तराश कर उन्हें अलंकृत किया गया है। इस शैली से शैलोत्कीर्ण में स्थापत नियोजन तथा दृश्यांकनों द्वारा अलंकरण चालुक स्थापत से पृथक शैली पर किया गया है। गुहा मंडप के सामने स्तंभयुक्त बरामदा काटा गया है। मंडप के दोनों ओर गर्भगृह है। सह मंडपों के गर्भगृहों में शिवलिंग तथा वैष्णव मंडपों के गर्भगृह में विष्णु की प्रतिमा तच्छित है। इन मंदिरों के स्तंभ सामान्यतः चौकोर तथा मध्य में अठ पहले हैं। इनके निगस्तों पर कारीगरी का अभाव है। गवांछों में कूडू के स्थान पर गंधव मुखम का अलंकरण मनोहर है। मंदिरों के द्वार पर मानवाकार द्वारपालों की प्रतिमाओं का अंकन किया गया, जिनके हाथ पर डंडे और माथे पर सिंह उत्कीर्ण है। मंडप के सामने दो अलंकृत स्तंभ और अर्ध स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभों की ऊंचाई 7 फुट रखी गई है, जो अलंकरण की दृष्टि से 3 उपभागों में विभक्त है। इसका आधार और शीर्ष भाग 2 फुट का आयताकार सा लगता है तथा मध्य भाग पहला अर्थात अष्टकोणात्मक तच्छित है। स्तंभों आयताकार भाग पर अमरावती स्तंभ निर्माण शैली की परंपरा में कमल फुल्लक उकेरे गए हैं। इनमें स्थान स्थान पर तरंग मंजरी तथा मकर तोरण जैसी आकृतियाँ भी तराशी गई हैं। इस शैली में निर्मित आरंभिक मंडप तथा अर्थ मंडप सामान्यतः एक ही क्रम तथा आकार में ढाले गए। इन मंदिरों के मंडप शायद प्रायः सादे हैं। महेंद्र शैली के अंतर्गत इसकी प्रथम विकास अवस्था में निर्मित प्रमुख मंदिरों में मंडप पट्टू का लच्छी तायन मंडप, मांडूर का रुद्र वालेश्वर मंदिर, पल्लवरम का पंच पांडव मंदिर, कुरंग नील मुत्तम का कल मंडकम मंडप, मामडूर का विष्णु मंडप, दल वा नूर का शत्रु मलेश्वर
स्वरालय मंडप आदि विशेष उल्लेखनीय है। महेंद्रवर्मन शैली के अधिकांश मंडप तोंडमंडलम क्षेत्र में स्थित हैं। इन मंदिरों के स्तंभों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। शिव राम मूर्ति के अनुसार पल्लव कला शैली के प्राथमिक विकास का रूप उड्डा नावल्ले की गुफा में तच्छित अनंतशायी विष्णु मूर्ति नजर आता है। उपयुक्त शैली विकास की दूसरी अवस्था नरसिंह वर्मन मालव के शासनकाल से प्रारंभ होकर मुख्य रूप से नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह तक मानी जा सकती है। इस अवस्था में द्रविड़ वास्तु के निर्माण में नवीनता लाएगी। इस शैलोक्तिक मंदिरों के निर्माण का शेष अंग बहुत कुछ पूर्ववत ही बना रहा। निर्माण एवं विकास के इस स्तर पर स्तंभों की ऊंचाई बढ़ा दी गई तथा उनकी पिक्चुलता कम करके उन्हें किंचित पतला ढाला जाने लगा। स्तंभों के पतला हो जाने के कारण उनकी पारस्परिक दूरी सहजता बढ़ गई। मंडपों में गर्भगृहों की संख्या घटाकर केवल एक रखी गई। स्तंभ अलंकरणों में कपोत एवं कूडू का भी अंकन सम्मिलित कर लिया गया। सह मंडपों में शिव परिवार सोम स्कंद दुर्ग आदि पति मांगों को तथा वैष्णव मंदिरों में विष्णु ब्रह्मा तथा उनसे संबंधित देव मूर्तियों को तच्छित किया गया। इस अवस्था में निर्मित प्रमुख मंडपों में महाबलीपुरम का कोटिकल मंडप, तिरुवक्कलूरम का ओरुकल मंडप, सिंहवरम का रंगनाथ मंडप आदि विशेष उल्लेखनीय है। इन मंदिरों में उनके निर्माता शासकों के अभिलेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। महेंद्र शैली के विकास की तीसरी अवस्था में शैलीगत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस अवस्था में निर्मित मंदिरों में किल्मा बिल्लंगे का विष्णु मंडप विशेष उल्लेखनीय माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे मामल शैली। ये शायद मैंने आपको अगले वीडियो में मैंने पढ़ के मैंने बताया है। ये ऊपर वाला जो था मैंने खास तौर पर महेंद्रवर्मन शैली के बारे में बताया, जो पल्लव शासनकाल स्थापत कला का प्रथम चरण है। तो मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि महेंद्रवर्मन शैली के समय स्थापत कला का कितना विकास हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।